हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अभी इवनिंग टाइम है और अभी ना कृषा को देखने के लिए घर पे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो निर्मला कुकिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने बोला कि चलो गर्मा गर्म पकौड़ी बना लेते हैं उनके लिए। हालांकि भाभी बोल रही थी कि तुम कुछ भी मत करना, हम बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह पैक करा के लेके आएंगे। कल सोनिया और दृष्टि भी आए थे घर पे ना कृषा को देखने के लिए, तो सोनिया समोसे पैक करा के लेके आई थी, तो उसको भी यही था कि मतलब तुम कुछ मत करना, हम पैक करा के ले आएंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स ना, सब लोग इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि मतलब मुझे कुछ भी करना ना पड़े। तो ये था, वो लोग थोड़े जल्दी आए थे तो निर्मला का मतलब टाइम सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उनके लिए मैं कुछ बना नहीं पाई। लेकिन आज निर्मला टाइम पे आ गई तो मैंने सोचा कि चलो पकौड़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे आलू और प्याज की पकौड़ी मैं बनवाने वाली हूँ, थोड़ा हरी मिर्चें हैं ये है। और निर्मला के साथ ना थोड़ा सा मतलब लगना पड़ता है मतलब कुछ चीज़ों के लिए ना, तो वो कर लेती है, नहीं तो अगर उसके ऊपर छोड़ दो ना सब चीज़ें तो फिर वो ढंग से हो नहीं पाती हैं। तो इसीलिए वो भी बोलती है कि आप मेरी हेल्प करते हो तो मतलब अच्छा रहता है। सो आफ्टर डिलीवरी मैं भी बहुत दिन बाद आज बेसन का कुछ खाऊंगी, क्योंकि ये डिलीवरी टाइम पे बेसन वगैरह हैवी चीज़ खाने के लिए मना कर देते हैं ना। तो ये जो बेसन है वो ताज़ा पिसवाया था और ऐसे कैसे ही फ्रीजर में रख दिया था ताकि सेफ रहे, वरना बाहर रखा रहता तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ और इसमें ऐड करूंगी राइस फ्लोर, तो उससे ना जो पकौड़ी है वो थोड़ा क्रिस्पी बनती हैं और काफ़ी देर तक अच्छी रहती हैं। और इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो तो मैं ऐड करूंगी, जैसे हल्दी, सोल्ट, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ जो पुदीना होता है ना वो, और इसमें ऐड करूंगी मैं हींग। तो हींग से क्या होता है ना, एसेंस भी अच्छी आती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मम्मी ना पकौड़ी में हींग ऐड करती है तो मतलब अच्छा रहता है, तो मम्मी ऑलवेज बोलती है कि पकौड़ी में ना हींग ऐड कर लिया करो, और मुझे भी अच्छा लगता है। आज तक जितने लोगों को खिलाया है हींग वाला, सब लोग मतलब तारीफ ही करते हैं पकौड़ी में ना, तो कभी आप लोग भी ऐड करके देखना, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं घोल बना के तैयार कर दूंगी ये पकौड़ी का ना। और मीनवाइल यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी बन रही है, तो जिसमें धनिया है, पुदीना है, जीरा है और हरी मिर्चे तो आप देख ही रहे हैं वो है, और नारियल इसमें हमने बाद में ऐड किया था क्योंकि पीनट भी मैं नहीं खा रही हूँ आजकल। और इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया है, खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर दिया है। तो ये बन जाएगी हमारी पकौड़ी के साथ हरे धनिए की चटनी। और यहाँ पे बस मैं मीनवाइल मसाले ऐड कर रही हूँ और घोल मैं सब तैयार करके रख दूंगी, तो जब तक वो लोग आएंगे तो जो घोल है ना वो अच्छे से फूल जाएगा और फिर निर्मला जो है ना वो पकौड़ी वगैरह उतार लेगी। तो इतना कुछ मैं हेल्प कर देती हूँ तो उसको भी अच्छा लगता है और उसके भी हाथ पैर थोड़ा सा चलने लगते हैं, क्योंकि हर किसी का टेस्ट बड़ अलग अलग होता है ना, इसीलिए वो अपने हिसाब से बनाएगी तो फिर ये रहता है ना कि मतलब कुछ का कुछ रहता है इसीलिए। और जो घोल है ना वो आप टाइट ही रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो हमारे आलू वगैरह वो भीगे हुए रहते हैं ना, और जैसे ही हम बेसन में ऐड करते हैं तो बेसन बहुत पतला हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आप जो घोल है ना वो टाइट रखिएगा, और वैसे भी जो प्याज की पकौड़ी होती है उसमें तो बेसन थोड़ा थिक ही चलता है तभी वो क्रिस्पी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो टेबल है ना वही सब तैयार करके रख रही हूँ, और टेबल वगैरह तैयार हो जाएगी तो फिर जब वो लोग आएंगे तो फिर हम ऐसे तुरंत मतलब खाने के लिए बैठेंगे ना इसीलिए। और ये ना आयंगर बेकरी से केक लेके आए थे सौरभ, ये बहुत टेस्टी केक है। आयंगर बेकरी के केक ना बहुत टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके रखिएगा। तो घर पर रखा था तो मैंने सोचा कि ये मतलब रख देती हूँ, और ऐसे केचप वगैरह सब कुछ रख दिया। और डिनर में ना आज कच्चे केले की सब्जी बनने वाली है, तो निर्मला को बनानी नहीं आती थी तो उसको मैंने बता दिया कि कैसे बनानी है, बहुत टेस्टी बनी थी। तो प्याज वगैरह सब फ्राई कर लिया, और ये कच्चा केला है जिसको कट करके रखा है, और इसमें जो बेसिक मसाले वगैरह है ना वो सब ऐड कर दिया, गरम मसाला वगैरह, और टोमेटो प्योरे ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से पका के इसमें जो कच्चा केला है ना वो ऐड कर दिया, और उसमें मतलब सीटी लगा दिया। तो ऐसे फोरा चेंज ना सब्जी अच्छी लगती है, तो जैन लोगों में कच्चा केला काफी ज्यादा बनता है क्योंकि आलू का रिप्लेसमेंट होता है ना इसीलिए। तो आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, इसकी सूखे सूखी सब्जी भी बनती है, ऐसे तरी वाली भी बनती है। तो प्याज तो मैंने अभी ऐड करा है, वरना तो जैन लोगों में तो ये टमाटर की ग्रेवी में ही बनती है, तो आप लोग ट्राई करके देखना।
ये देखो, अब आप बोलेंगे कि जिसे पहले आया था ना कमेंट, आप अनमित को डांटते बहुत हो, लेकिन अगर बच्चे गलत हरकत करें तो उनको डांटना जरूरी होता है। और मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि कोई गेस्ट है कुछ है, सब लोग अपने ही होते हैं और बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए जो लोग नेगेटिव कॉमेंट करने वाले हैं उनको मैं पहले ही बता देती हूँ, और इसलिए मैंने एक क्लिप भी कट नहीं किया ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम से ना याद रखें कि किसके सामने कैसा बिहेव करना है। तो बस यहाँ पे जो पकौड़ी वगैरह ना वो मैं बता रही हूँ निर्मला को कैसे तैयार करनी है, तो वो फिर कर देगी। और यहाँ पे बस हम जो टेबल वगैरह हैं वहीं पे सामान सर्व करेंगे। और निर्मला चाय बहुत अच्छी बनाती है, सब लोगों को ना चाय पसंद भी बहुत ज़्यादा आई और सब लोगों को अच्छा लगा कि गरम गरम मतलब पकौड़ी सब लोगों ने बैठ के खा ली चाय के साथ, तो ऐसे गरम गरम मिल जाए ना तो अच्छा लगता है। तो निर्मला की ये हेल्प भी बहुत ज़्यादा है ना कि मैंने तैयार कर दिया और उसने खिला दिया, तैयार मतलब सर्व कर दिया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ऐसे तो मुझे आजकल ये बिग हेल्प लग रही है अपने लिए ना। बाकी मेरा जब भी मन करता है और कुछ भी है तो मैं उसके साथ मिलके बना लेती हूँ, तो ऐसे अच्छा मतलब लगता ही है। थैंक यू सो मच। ऐसे आते ना क्या? क्यों? नहीं नहीं तो ऐसे क्यों? मैं थोड़ा बहुत दे रहा हूँ। हाँ 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 आपको कुछ क्यों नहीं खाना? नहीं नहीं खा रही। क्यों क्या हुआ? तो खा सकते हैं ना बेसन के। नहीं क्या हुआ? कल गौरव की शुगर अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, आज आज खा लो। वही मैंने कहा कि नहीं, आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो और कंट्रोल में है अभी। नहीं इसी में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी हमारे फ्रूट्स वगैरह खा हो जाते हैं ना उसमें, तो इधर बास्केट में करके रख देते हैं। तो जो आपने अभी वीडियो देखी ना, जो गेस्ट भैया भाभी लोग मिलने के लिए आए थे, वो 2-3 दिन पहले की थी। और मैं आप लोगों से ना ऑलमोस्ट आई थिंक 3 या 4 डेज बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ नेक्स्ट डे ना मुझे फीवर हो गया था। मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लेटी, सडनली ना मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और फैन वगैरह विंडो वगैरह सब कुछ ऑफ था। 2 ब्लैंकेट्स लेने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी। फिर मम्मी कहने लगी कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फीवर हो रहा हो, तो फिर डोलो लिया। और फीवर मैंने तब तक चेक नहीं किया था तो मुझे लगा कि सेफर साइड होके मैं ले लेती हूँ। डोलो लिया, डोलो लेने के बाद मैंने जब चेक किया ना 1.5 घंटे बाद, तो भी 100 था।
फिर उसके बाद मम्मी तो बोलने लगी कि डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा नहीं उतर जाएगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। फिर उसके बाद ना शाम को भी वापस फीवर हुआ तो दवाई लिया, वही डोलो। डोलो लेने के बाद भी 100 point something था। फिर तब तो मतलब मैं गई डॉक्टर साहब के पास, हमारे जो डॉक्टर है ना, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके हस्बैंड नहीं, तो उनके पास जाता हम लोग। तो फिर बोलने लगे कि अब फिर से क्या हो गया तुम्हें, क्योंकि मेरा केस उन्होंने हैंडल किया है ना पूरा, जो डिलीवरी के टाइम पे टफ टाइम था वो सब आपको पता है, जो मुझे इन्फेक्शन वगैरह हुआ था। तो मैंने कहा कि फीवर हो रहा है, तो फिर उन्होंने तब तो मेरा मेडिसिन मतलब शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक्स नहीं दिया था क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये कुछ एक दो महीने पहले इतना सारा एंटीबायोटिक्स गया, स्टेरॉइड्स गया। तो फिर उन्होंने बोला कि डेंगू 2 दिन बाद चेक कराना, और ये क्या बोलते हैं अपना ये करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो। तो नेक्स्ट डे यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें इन्फेक्शन था। अब मैं वही सोच रही हूँ कि इन्फेक्शन मुझे कैसे लगा, क्योंकि कहीं बाहर जाना वाना कुछ भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल से चलता आ रहा हो, जब कृषा के टाइम पे हम लोग जुपिटर थे तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और अभी भी बीच बीच में थोड़ा कुछ ईचिंग वाला प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वही चल रहा हो। तो एनीवेज आज भी मतलब फीवर वीवर तो मेरा एक ही दिन में ठीक हो गया था, उसके बाद लूज मोशन और ये सब हो गया था, तो वो सब हो गया। लेकिन ना बैक पेन पता नहीं क्यों बहुत बुरे वाला हो रहा है पिछले एक हफ्ते से ना, क्योंकि यहाँ का शायद इंडिया का पता नहीं क्या अलग है क्या है, क्योंकि अनवित का जो सी सेक्शन हुआ था मेरा यूके में हुआ था, और उसका ना तो जब लगाया उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया इसमें बैकबोन में तब पता चला, और ना ही उसके बाद 6 साल हो गए मुझे कभी हल्का फुल्का सा हो जाता था, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी मैं झुक गई कुछ गलत तरीके से। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं थिएटर में थी ना, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज्यादा स्केरी था। वो शायद मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँ, वरना वाला वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। मैं जरूर शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस थिएटर वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब स्केरी था। लगाते हुए भी मुझे काफी ज्यादा पेन हुआ, और उसके बाद भी ना मेरी कमर की जो वोट लगी हुई है ना, बुरे वाली वोट लगी हुई है, मतलब बच्चे के साथ ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ना, बहुत ज्यादा कमर दुख रही है मेरी। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे फेस टू फेस बात भी कर लेती हूँ, और आपको गिफ्ट्स भी दिखा देती हूँ कृषा के लिए, मतलब जो गिफ्ट्स आए हैं ना। तो ये जो है सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, सोनिया और दृष्टि आए थे देखने के लिए, तो वो तो लिफाफे देके गए हैं, तो उनके लिफाफे हैं और अच्छा खासे पैसे देके गए हैं सब लोग, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा उनमें टॉय या ड्रेस आ सकता है, 1000 रुपए से ऊपर है सबके जितने भी पैसे हैं, तो ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट में क्या बताऊं, ये वाली बात है। तो वो देके गए थे, और उस दिन का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे थे, तो बातों में इतना ज्यादा बिजी हो गई। फिर वो भैया भाभी आए थे, 2 भैया भाभी आए थे ना जो आपने इस वाले वीडियो में देखा, तो जो संतोष भाभी हैं वो तो ये लेके आई थी गुड़िया के लिए पिंक कलर का ब्लैंकेट, इतना प्यारा सा लगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और पिंक कलर का ना मैंने सच उसके लिए कुछ लिया नहीं था, और बस एक ही ड्रेस है आई थिंक पिंक कलर की, और ये टॉवल देखिए कितना प्यारा है, ये देखो मैं सोच ही रही थी एक और टॉवल लेने का, और ये देखो कितना प्यारा टॉवल है, बहुत सुंदर गिफ्ट लगा, और पैसे भी देके गई। और वो दिवाली पे मिलना आना चाह रही थी लेकिन आए नहीं थे ना हमसे मिलने के लिए, क्योंकि कृषा के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि 1.5 महीने तक कभी किसी से मिलना नहीं इन्फेक्शन की वजह से। तो फिर वो पूरा ड्राई फ्रूट वाला बॉक्स भी लेके आए, और ये था। और जो दूसरे भैया भाभी हैं उन्होंने तो बहुत ही सारे पैसे दिए, तो वो भी लेके आए, और उन्होंने बोला अपने पसंद से कुछ लेना ना, भाभी ने भी मतलब ये दिया क्या बोलते लिफाफा कि अपनी मतलब 2 ड्रेस ले लेना मेरी तरफ से। तो फिर ये हम सोनिया के यहाँ गए थे ना बर्थडे पार्टी पे, तो ये रिटर्न गिफ्ट में सोनिया ने दिए, देखो पिंक कलर की इतनी प्यारी ड्रेसेस है ना, बहुत ज्यादा प्यारी। मैंने कहा लड़की के मजे आ गए, डबल डबल गिफ्ट दे रहे हैं, पहले आई सोनिया लिफाफा दे गई, फिर उसके बाद उसने रिटर्न गिफ्ट में ये वाली और ये वाली, इतनी सुंदर है ना, मुझे बहुत ही पसंद आई ये वाली पिंक कलर की, मैंने कहा लड़की के मजे आ गए। फिर हम गए थे परसों, गए थे भैया भाभी की एनिवर्सरी थी संतोष भैया भाभी की, तो उनके लिए हम लोग गिफ्ट वगैरह लेके गए, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में कृषा को फिर से लिफाफा दे दिया कि इसके लिए पहली बार आई है, तो मतलब गिफ्ट लेने मैंने कहा लड़की के मतलब मजे ही मजे आ रहे हैं। तो ये है, और अभी आज आ गया है कॉल रंका के यहाँ से, मैंने आपको बताया था ना कि वो हमने बनने के लिए दिया है गोल्ड का, तो वो भी आ गया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं, अभी तो नहीं। तो ये एक गिफ्ट्स हैं, और इतने सारे लिफाफे हैं जो कृषा के मतलब हुए हैं इकट्ठे, तो जैसे जैसे जो भी गिफ्ट आएंगे, क्योंकि पैसे क्या बताऊंगी ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता डिस्क्लोज करना, लेकिन हाँ ये है कि सबका जो अमाउंट है वो मतलब अच्छा खासा अमाउंट है, अब आप ये मान लो 1000 रुपए से ऊपर ऊपर है सबके पैसे, ये वाली बात है।
अच्छे खासे गिफ्ट्स आ सकते हैं ये है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे फेस टू फेस बात भी कर लेती हूँ और अपने जो वीडियो है उसका भी एंड कर लेती हूँ। देखो बेल्ट लगा के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी कमर की ना वोट लगी हुई है ये है। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आई होप आपको कृषा के गिफ्ट्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो लाइक किए बिना जाना नहीं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, ठीक है, बाय।